आज हम बात करेंगे कि डॉग चक में आसान से लेके मुश्किल जॉब कैसे 2 मिनटों में आप थ्रू कर सकते हो, आप थ्रू करने का रिकॉर्ड बना सकते हो डॉग चक में। मैं एकदम सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ ऐसी जॉब रहेंगी जिससे आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, आपको थ्रू करने में थोड़ी समझ में मिलेगी कि कैसे आप थ्रू कर सकते हैं। स्क्वायर राउंड, स्क्वायर को थ्रू करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आउटर एरिया जो इसकी धारें रहती हैं वहाँ से थ्रू कर सकते हैं, और एक जो डॉग चक के जो रहते हैं वहाँ से भी इसको थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले इस थ्रू गेज को जो जॉब का आउटर एरिया जो आप राउंड करने पे पता पड़ेगा कि कौन सा आउटर एरिया है, उसको ले जाके उस पर टच कर लें। जब आप टच करेंगे तो उसकी अपोजिट साइड पे गैप बनेगा, तो उस गैप के हिसाब से आपको काम करना है। जिस जगह पे गैप आ रहा उसकी अपोजिट साइड पे, समझ रहे हैं ना, जिस जगह गैप आ रहा उसकी अपोजिट साइड पे दोनों को टाइट करना है, और जहाँ गैप है वहाँ ढीला करना है। स्क्वायर की आउटर की बात कर रहा हूँ मैं, और ऐसे ऐसे धीरे काम करते करते दोनों जो से होगा, जहाँ गैप आ रहा है वहाँ का ढीला होगा, और जहाँ गैप कम है वहाँ के दोनों जो टाइट होंगे। अब ये तो क्या थोड़ा मुश्किल तरीका था, लेकिन अब आपको स्क्वायर को थ्रू करने का एक आसान तरीका बताते हैं। जो डॉग चक के जो रहते हैं ना उसकी जो नोके रहती हैं, जैसे वीडियो में देख रहे हैं, मैं कट टच कर रहा हूँ थ्रू गेज को, ऐसे टच करके आपको देखना है, और जहाँ गैप रहे उस चीज़ को ढीला करना, उसके अपोजिट वाली साइड को टाइट कर देना है, और ऐसे धीरे धीरे करते आपका जॉब थ्रू होने लग जाएगा। अब देखते हैं कि राउंड को कैसे थ्रू करना है। जो आपका राउंड जॉब रहता है उसका इंची में नाप ले लें, और जो चक की ये लाइनिंग बनी है ये हमारे चक में आधा आधा इंच की बनी, इससे हमें पता पड़ जाता है कि कितनी गैप खोलना है। अब या तो आप ऐसे स्केल रख के गैप का भी मेजरमेंट ले सकते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा जॉब में थ्रू करने में अगर आप ऐसे काम करेंगे तो। जब भी आप पतले पार्ट को डॉग चक में थ्रू करते हैं तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, क्योंकि डॉग चक में बहुत प्रेशर रहता है थ्रू चक की बजाय। अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे अपनी जॉब पे तो वो चपटा हो जाएगा, अगर यह बेरिंग सीट हुई तो वो चपटी हो जाएगी। अब आपको वही काम करना है कि आप जॉब को घुमाएं और थ्रू गेज को उसके पास ले आएं। अब आपको पता पड़ जाएगा कि किस जगह गैप है और किस जगह गैप नहीं है। जहाँ गैप है उस चीज़ को ढीला करेंगे और उसके अपोजिट वाली टाइट साइड को टाइट कर देंगे। ध्यान रखना कि आउटर एरिया में थ्रू करने के लिए, बोर में अलग रहता है कि आउटर एरिया में जहाँ गैप आ रहा है वहाँ ढीला होगा, और उसकी अपोजिट वाली साइड जहाँ गैप कम है वो टाइट होगी, और आप ऐसे धीरे धीरे करते करते थ्रू करने लग जाएंगे। इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है, आप दिन ब दिन काम करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा, और जैसे जैसे गैप कम होता जाएगा आपको थ्रू गेज को पास लाना है और चक को चला के देखना है कि किधर गैप कम है किधर नहीं है, और वही काम करना है। अब बात करते हैं कि आपको बोर को कैसे थ्रू करना है, क्योंकि बोर में भी थोड़ा अलग हिसाब चलता है। इसमें यह है कि जिस जगह पे गैप आता है वो वाली साइड टाइट होती है, और जहाँ गैप कम आता है वो वाली साइड ढीली होती है, समझ रहे हैं। यहाँ पे बोर में जिस जगह गैप आता है वो वाली चीज़ टाइट होती है, और जहाँ गैप कम रहता है वो वाली साइड ढीली होती है। बोर में सबसे पहले जहाँ आपका थ्रू गेज टच कर रहा है मतलब वहाँ गैप कम है, तो उस वाली चीज़ को पहले ढीला करें, फिर उसकी अपोजिट वाली साइड जहाँ गैप ज़्यादा है उसको टाइट करें। और अब बात करते हैं थोड़ा हार्ड जॉब की, मतलब ऐसे कास्टिंग के जो बड़े बड़े पीस रहते हैं, ये कम से कम 1 फीट 1.5 फीट लंबा है और इसका वज़न 30 किलो के आसपास है। कास्टिंग के पीस इतने ज़्यादा एक्यूरेट रहते नहीं है क्योंकि ढलाई होके आते हैं, इसमें कहीं ना कहीं नोके रहती हैं, कहीं ना कहीं ये फूला रहता है, तो इस पर इतना एक्यूरेसी देखना नहीं है आपको। अगर टर्निंग हुआ हुआ पार्ट है तो उस पर बिल्कुल एक्यूरेसी देखनी पड़ती है। सबसे पहले आपको चक की साइड का थ्रू करना है, फिर जाके अपोजिट साइड का थ्रू करेंगे। अपोजिट साइड का थ्रू करने के लिए आपको हथौड़ी से काम करना पड़ेगा, जहाँ पर गैप कम आ रहा है मतलब थ्रू गेज टच कर रहा है वहाँ पे, वहाँ हथौड़ी से देना पड़ेगी। जब आप दूसरा हिस्सा हथौड़ी से दे दे के थ्रू करेंगे तो चक की तरफ वाला
थ्रू से बिगड़ जाएगा, तो आपको उसे वापस थ्रू करना पड़ेगा, फिर दूसरे छोर को थ्रू करना पड़ेगा। ऐसे धीरे धीरे काम करते करते दोनों एंड सही से थ्रू हो पाएंगे, समझ रहे हैं ना। यूँ नहीं कि आपने दूसरा हिस्सा बिल्कुल थ्रू कर लिया तो इससे हथौड़ी से दे दे के थ्रू कर लेंगे तो ये भी बिल्कुल एक्यूरेट थ्रू हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। तो दूसरा हिस्सा भी बिगड़ता है ऐसे धीरे धीरे, एक फिर ये फिर दूसरा, ऐसे काम कर करके ये सही से थ्रू होता है। जब आप गियर को थ्रू करते हैं डॉग चक में तो उसके जो ऊपर के जो दांते रहते हैं उसको थ्रू करना, दांतों का आउटर एरिया और दांतों की फेसिंग को थ्रू करना है, तभी जाके गियर सही से थ्रू होता है डॉग चक में। बहुत सारे पूछा था कि मैं क्या यूज़ करता हूँ, तो भाई मैं मितुतोया का वर्नियर यूज़ करता हूँ। ये थोड़ा कॉस्टली है लेकिन लॉन्ग टाइम तक और अच्छी एक्यूरेसी के साथ चलता है। अब आपके पास कोई ऐसी पेडिशियल, हमारे यहाँ पे इसे पेडिशियल बोलते हैं, अगर आपको इसे थ्रू करना, उसकी जो नीचे की बेस साइड रहती है उसे थ्रू करना है, तो उसे थ्रू कैसे करेंगे, बोर की दोनों साइडों पर कट लगे रहने चाहिए बिल्कुल एक्यूरेट। और कट लगने के बाद हमने ऐसी प्लेटें बना रखी है जो बोर के ऊपर ऐसे रख देते हैं और दोनों साइडों पर रखते हैं, ऐसे दोनों साइडों पर रखने के बाद और बोर की दोनों साइडों को ही दबाते हैं ताकि ये बिल्कुल फेसिंग के हिसाब से टाइट हो जाए। इसे टाइट करने के बाद अब ये जो नीचे की बेस को फेस करना रहता है तो ये ऐसा नहीं कि टेढ़ा भागा है तो कट लग जाए, तो एक तरफ कम कट लगेगा एक तरफ ज़्यादा माल ख़त्म हो जाएगा। तो इसे ऐसे थ्रू करते हैं हम इंची टेप से या स्केल से, बिल्कुल एमएम में नाप लेते हैं और दोनों साइडों को एक जैसे कर लेते हैं। अगर कोई सी साइड ज़्यादा बाहर आती है तो उसे हथौड़ी से दे दे के सही कर लेते हैं। सब जॉब के अलग अलग थ्रू करने के अपने अपने तरीके रहते हैं, तो मैं सारे जॉब तो ऐसे बता नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे अलग अलग जॉब होते ही नहीं जो हमने आज तक काम ही नहीं करे। तो ऐसे ही हमारे वीडियो से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, आपका जो भी क्वेश्चन हो कमेंट में लिख दीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक करें जल्दी जल्दी और नई वीडियो लाते जाएंगे।